आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। ये निगम की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, तो आज हम उसको कच्चे राशन के रूप में दे रहे हैं ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में जाकर उसका बनाकर खिला सकें। देख रहे हैं दिल्ली अपडेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं अशोक विहार फेसबर्न के एक एमसीडी स्कूल में मौजूद हूं जहां पर मिड डे मील की जगह सूखा राशन वितरण किया जा रहा है। जी हां, मेरे साथ जोन चेयरमैन योगेश वर्मा जी भी मौजूद है जिन्होंने आज ये सूखा राशन वितरण किया है। जानते हैं कि क्या है इसके पीछे मकसद। सर, पहले स्कूलों में मिड डे मील मिला करता था, पर अभी प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद है, पर आप सूखा राशन लोगों तक पहुँचाए, खासकर उन पेरेंट्स तक जिन पर नहीं पहुँच पा रहा, तो क्या है सर मकसद? देखिए, ऐसा है कि कोरोना महामारी के बाद जब स्कूल बंद हैं तो उसमें जो बच्चों को हम मिड डे मील जो वितरित करते थे, वो मिड डे मील तो हमारा सरकार के हिसाब से आ चुका था। अब वो जो बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए, वो अधिकार हमने बच्चों को हम समय समय पर देते रहते हैं। तो इस प्रकार जब उनका एक मिड डे मील एक इकट्ठा हो जाता है तो हम पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाते हैं, बच्चों को अभी नहीं बुला रहे हैं। तो उसके पीछे सोच केवल यही है कि जो अधिकार, जो उनके हितों का हम ध्यान रखें और जो एक पौष्टिक आहार उनको मिले, ये निगम की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम उसको कच्चे राशन के रूप में दे रहे हैं ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में जाकर उसका बनाकर खिला सकें। इस प्रकार से ये क्रम के अनुसार चलता रहता है हमारा कार्यक्रम। जैसे जैसे मिड डे मील उनका तीन तीन चार चार महीने का इकट्ठा होता है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। राशन किट में सर क्या क्या दिया गया है बच्चों के लिए? देखिए, उसके अंदर दाल है, चावल है, उसके साथ तेल घी है। तो ये सब आइटम जो हम पहले उस जो खाने के अंदर यूज़ होती थी, वो उसके हमारे पास बच गई थी, तो आज हमने उनको सबको वितरित कर दिया है। ये कोई हमारा मुफ्त का नारा नहीं है, ये बच्चों का अधिकार है, जो बच्चों को मिलना चाहिए पौष्टिक आहार के रूप में, वो हम दे रहे हैं। सर, एमसीडी की बात करें, पौष्टिक आहार की बात करें, तो जब बच्चों को अब दिए जा रहे हैं क्योंकि अब सब बच्चे घर में हैं, तो कितना मुश्किल है पेरेंट्स को बुला कर देना? देखिए, मुश्किल नहीं है, इसके पीछे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे टीचर्स इससे पूर्व में भी, चाहे कोरोना महामारी के बाद सभी लोग अपने घरों में बैठे थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने उस वक्त भी, दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितना भी राशन बांटा था वो हमारे टीचर्स के माध्यम से बांटा था। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का जब प्रोग्राम चला, ये हमारे टीचर्स ने, यहाँ पर नगर निगम के टीचर्स ने काम किया। फिर बच्चों की मैपिंग का और सब काम जो है वो हमारे टीचर्स करते आए हैं, तो हमारे टीचर तो इन सब के लिए यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको किसी चीज़ को बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है। निगम के सभी कर्मचारी आज इतनी कठिन परिस्थितियां होते हुए भी दिल्ली सरकार की भेदभाव की नीति के बावजूद वो लोग अपना काम करना नहीं भूलते, अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कितने पेरेंट्स को आज यहाँ पर बुलाया गया है राशन के लिए? करीब आज 300 के करीब पेरेंट्स आज यहाँ पर आए हुए हैं, और इस प्रकार से क्योंकि कोरोना महामारी कारण एकदम से भीड़ नहीं लगा सकते हैं, तो हम धीरे धीरे करके इसको फेजेस में, आज हमने पेरेंट्स को बुलाया, अब आने वाले दिनों के अंदर जो और पेरेंट्स बनेंगे उनके पास हम बुलाएंगे, तो ये धीरे धीरे करके हम सबको बुलाएंगे और ये सभी को जो उनका मिड डे मील है उनको दिया जाएगा। सर, कई पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन पे अभी तक ये इन्फॉर्मेशन या ये सूचना नहीं पहुंची होगी, तो उनके लिए आगे क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि सूचना, तो क्योंकि देखिए पेरेंट्स में, बच्चों में नज़दीक रहते हैं, तो अक्सर आजकल तो वैसे भी व्हाट्सएप का ज़माना है, जो पेरेंट्स लेके जाते हैं वो दूसरे को इंटीमेट भी कर देते हैं। अदरवाइज़ भी हमारे यहाँ से, स्कूल से, हमारे पास पूरा डाटा है इनका, और प्रत्येक बच्चे को यहाँ से फ़ोन किया जाता है। आज हमने करीब 300 पेरेंट्स को बुलाया था। इस प्रकार से आगे भी हम धीरे धीरे करके सबको बुलाएंगे, जितने भी पूरी इसका लिस्ट मेंटेन होती है, प्रत्येक बच्चे को उसका मिलता है अधिकार। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अभी अशोक विहार फेज 4 के एच ब्लॉक के एक स्कूल में मौजूद हूँ। एमसीडी का ये स्कूल है जहाँ पर 300 से ज़्यादा बच्चों के जो माता पिता हैं उनको राशन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपको पता है कि प्रदूषण की वजह से स्कूलों को अभी बंद किया गया है, उसी के तहत अब मिड डे मील नहीं, सूखा राशन वितरित किया है, और इनका ये कहना है कि समय समय पर ये बच्चों का अधिकार है जो हम इनको देते रहेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।